हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम गाइडर और मैं लेके आया हूँ आपका मैथमेटिक्स प्लांट ऑपरेटर के लिए स्टेज टू के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। हमने फर्स्ट वाले सेट में पढ़ा था सेट्स समुच्चय, हम सेकंड सेट में पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं। यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय है, समुच्चय यानी दोस्तों सेट, कि एन एक्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एक्स के अंदर अवयव कितने हैं 17 है और वाई के अंदर अवयव कितने हैं 23 है, और एक्स यूनियन वाई, ये यूनियन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले सेट के अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार पहला वाला सेट देखिए, फिर सेकंड वाला देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा दोस्तों। तो एक्स यूनियन वाई में कितने हैं अवयव, 38 हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयव ज्ञात हमको करने हैं। ये इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब मैंने पहले वाले में सेट में बता चुका हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। तो हम इसमें रख देते हैं, ये कितना है 38 है, एन एक्स कितना है 17 है, एन वाई कितना है 23 है। तो ये हमको ज्ञात करना है, ये उधर चला जाएगा, प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 38 माइनस 17 माइनस 23 इज इक्वल्स टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो दोस्तों, माइनस के 17 और माइनस के 23 मिलकर कितना हो जाएंगे, तो ये तो 38 है, माइनस 7 और 3 10 का 0, यहाँ से लगा 1 2 1 3 1 4 हो जाएंगे दोस्तों। सही है ये गलत है, सही है दोस्तों, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अब देखो 40 38 की तरफ कितना बचा दोस्तों, माइनस का 2। अब इधर भी माइनस, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2, अवयव कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 क्या पीते हैं दोस्तों, कॉफ़ी पीते हैं। 52 क्या पीते हैं दोस्तों, चाय पीते हैं, टी पीते हैं, और 70 व्यक्ति हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक व्यक्ति दो में से कम एक पेय पसंद करता है, मतलब सब कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, कुछ लोग एक पीते हैं कुछ लोग दोनों पीते हैं। तो हमारे पास इन दोनों का जो यूनियन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करेंगे, तो देखो दोस्तों इसको मैं लिख देता हूँ एन, कॉफ़ी को लिख देता हूँ सी, चाय को लिख देता हूँ टी, है ना। ये कितना हो जाएगा 70 हो गया अपने पास, नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए 37, और नंबर ऑफ टी कितना हो गए 52। हमको लिखा जो दोनों पसंद करते हैं, तो एन सी इंटरसेक्शन टी, हमको पता है इंटरसेक्शन वाले में क्या होते हैं, कॉमन आते हैं, तो कॉमन वाले ये हमको ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले की तरह हम यहाँ कर लेते हैं, 70 बराबर 37 प्लस 52 माइनस एन, ये हो गया दोस्तों। 37 और 52 को उधर भेजेंगे, या इधर ही जोड़ के उधर भेज देते हैं जिसे आपको अच्छा लगे। 70 37 और 52, 7 और 2 9, 5 और 3 8 माइनस एन सी इंटरसेक्शन ई। तो ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस का 19 सी इंटरसेक्शन टी, तो माइनस से माइनस काट देंगे, तो हमारे पास चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 19 आ गई दोस्तों। ठीक है, हम अगला करते हैं दोस्तों। अगला क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी से तात्पर्य है, मतलब ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी दोनों है, तो इससे क्या होगा, ए बराबर बी होगा या ए बराबर नॉट इक्वल्स टू बी होगा, या ए और बी दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, ए यूनियन बी मतलब इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है टोटल मिलाकर के, वो दोनों सेम होंगे जब जा करके ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आएगा, तो इसका ए बराबर बी होगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, यदि हमारा कोई फंक्शन है, क्या है, 1 1 2 3 0 माइनस 1
माइनस वन माइनस थ्री, ये जेड से जेड में एक रैखिक फलन है दोस्तों। तो एफ एक्स अपन को ज्ञात करना है, रैखिक फलन है तो हमको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है दोस्तों। तो हमारे पास समीकरण तो यही बनेगी। अब हम क्या करते हैं, ये क्या है एलिमेंट ऑफ, ये जेड है तो हम क्या करते हैं, ये जो वन है इसको इसमें रख के देखते हैं। तो हमारे पास y वन आ जाएगा, m x की जगह वन रखा प्लस c, तो y वन कितना आ गया दोस्तों, m प्लस सी आ गया दोस्तों, है ना। अब हम निकालते हैं y ज़ीरो दोस्तों, और y वन का अनुमान कितना है, वन है इधर, है ना। x रखा तो ये वन इधर ही आएगा, तो ये बराबर वन हो गया। पहली समीकरण ये बन गई दोस्तों। और दूसरी समीकरण के लिए हम इसको ले लेते हैं, चलो तो y की जगह क्या रखूँगी मैं, रखूँगा मैं x की जगह रखूँगा ज़ीरो, तो y ज़ीरो, x की जगह रखा मैंने ज़ीरो प्लस सी, तो y ज़ीरो का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस वन आ जाएगा। तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा दोस्तों। c बराबर माइनस वन आ गया, और एक ये समीकरण में बन गई। तो इन दोनों से मैं क्या करूँगा, इस c का जो माइनस वन का मान आया है इस समीकरण के अंदर पुट करूँगा। तो वन प्लस एम, एम वन इज इक्वल्स टू एम प्लस सी की जगह क्या रखा मैंने दोस्तों, माइनस वन रखा। ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस होएगा। तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, एम की वैल्यू हमारे पास टू आ गई। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, रैखिक फलन एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, टू एक्स प्लस सी बन गया दोस्तों। तो मैं सी की जगह क्या रखता हूँ, माइनस वन रख देता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रैखिक फलन आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फाइव। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू फाइव और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू सिक्स, तो एन ए और बी का हमको गुणन ज्ञात करना है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे ही रोज़ आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाता रहूँगा। ये तो मैथ चल रही है, मैथ का एक सेट मैं ले आ चुका हूँ सेट, और दूसरा ये है रिलेशन एंड फंक्शन। ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, और साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव, यदि एन इक्वल्स टू फाइव है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है एन ऐसा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हमारे पास दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है, फाइव है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है, सिक्स है, तो फाइव सिक्स या थर्टी, तो थर्टी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट्री, इसको पूरक कहते हैं, ए डैश बोल दो, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश का डैश। तो दोस्तों जब ए डैश का हम डैश करते हैं तो इस डैश को क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री बोलो या पूरक बोलो, एक ही बात है ना, हिंदी में पूरक बोलते हैं। तो ए डैश का डैश, तो डैश से डैश क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री से कम्प्लीमेंट्री कट जाता है, तो ये ओनली ए बच जाता है, क्योंकि ए डैश ए बराबर क्या होता है, ए होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, ए डैश इंटरसेक्शन ए, और ए डैश इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जब ए डैश और ए में कुछ कॉमन लेंगे तो ए तो क्या हो गया दोस्तों, जो हमारा कोई भी फलन है वो, मान लो एफ एक्स कोई है, ये फलन क्या है, वन टू थ्री है, तो ये हमारा माना ए डैश है, ए है, सॉरी ए है। अब मैं कहता हूँ ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डैश मतलब इनको छोड़ करके बाकी सभी, मान लो कोई यूनिवर्सल फंक्शन है यू माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए डैश। तो ए और ए डैश के अंदर तो कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी दोस्तों, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया, और अगर आपको इंटरसेक्शन और यूनियन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप इससे पहले वाली वीडियो जा करके देखें, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है प्लांट ऑपरेटर मैथ के पेपर के सॉल्यूशन के हिसाब से, वो आपके पुराने पेपर के लिए, और प्लांट ऑपरेटर मैथ प्रैक्टिस सेट के नाम से इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, डी मॉर्गन्स रूल के परिणाम है, तो डी मॉर्गन्स रूल के परिणाम क्या है, यह भी है और यह भी है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी मॉर्गन के अनुसार क्या है दोस्तों, ए यूनियन बी का अगर हम
कंप्लीमेंट्री करते हैं या पूरक करते हैं तो वो ए का पूरक और इंटरसेक्शन बी का पूरक होता है। मतलब ये जो यूनियन होता है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और ऐसे ही हम इंटरसेक्शन वाले का करेंगे तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लें दोस्तों, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए दर्शाता है या इससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए ये कौन से नियम को दर्शाता है? क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, क्रम विनिमय नियम को क्या दर्शाता है? ए यूनियन बी यूनियन ए। ऐसे ही ये वाला है दोस्तों, ए यूनियन बी होल का यूनियन सी और ए यूनियन होल का बी यूनियन सी से क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है कि ये तो आपस में क्या है? साहचर्य है। ठीक है दोस्तों, तो क्रम विनिमय और साहचर्य ये सब इनके गुणधर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन हम पहले क्या कर लेंगे, बी के साथ ए का इंटरसेक्शन कर लेंगे। फिर क्या आ रहा है दोस्तों, यूनियन आ रहा है तो हम यूनियन कर देंगे, फिर ए के साथ सी का इंटरसेक्शन कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं वितरण या बंटन नियम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वितरण या बंटन नियम, ये हमारा होगा रिलेशन एंड फंक्शन। इनके कुछ इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले और हैं, तो ये रहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोस्तों दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों अपने जो फलन है फंक्शंस हैं, तो हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा फॉर्मूला के केवल ये बच जाएगा, अगर इस कंडीशन में अगर वो कहे कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है, तो हमारा केवल इतना फॉर्मूला बच जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये पूरा फॉर्मूला हम काम में लेंगे। इसके बाद है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला ये पूरा बन जाएगा, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये हमारे दोनों हमारे लिए दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आती है ये वाली बात कि ए यूनियन ए डैश क्या होता है दोस्तों? यू मतलब आता है यूनिवर्सल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल फंक्शन इसको हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक फंक्शन, जिसके अंदर सभी आ जाता है टोटल, है ना। और ए इंटरसेक्शन ए डैश होता है फाई, ये हमने पहले बात करी थी। तो ए डैश इंटरसेक्शन ए हो जाएगा फाई, और ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल फंक्शन। फाई का हम डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल फंक्शन आ जाएगा, और यूनिवर्सल फंक्शन का डैश करेंगे तो फाई आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड सेट ये ख़त्म होता है। देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली सेट लाऊंगा, एक दो तीन जितने भी मेरे से हो पाएंगे। और तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में, धन्यवाद।